हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस वी टेक। गाइस, कंप्यूटर का यूज करने वाले दो तरीके के ज्यादातर यूजर आपको देखने को मिलेंगे। एक वो यूजर जो सिर्फ कीबोर्ड का यूज करते हैं और शॉर्टकट कीज का ज्यादा यूज लेते हैं अपनी कंप्यूटर स्पीड को बढ़ाने के लिए, और एक वो यूजर जो सिर्फ माउस का यूज लेते हैं और सिर्फ बटन्स का यूज लेते हैं अपनी कंप्यूटर स्पीड बढ़ाने के लिए। तो कीबोर्ड यूजर्स के लिए तो हम बहुत सारी शॉर्टकट की आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन माउस यूजर्स के लिए क्या? माउस यूजर्स के लिए जरूरत है ज्यादा से ज्यादा बटन्स की, जिससे वो अपनी वर्किंग स्पीड को बढ़ा सके। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपके साथ आज एक ऐसा टूल शेयर करने वाला हूं जिसकी मदद से आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बटन्स आपको मिल जाएंगे आपकी विंडो पे और आप अपनी वर्किंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। किस तरीके के बटन्स आपको मिलेंगे वो आप देख सकते हैं। आपके टाइटल बार पे आपको इस तरीके के एक्स्ट्रा बटन्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिनका आप यूज ले सकते हैं अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए, विंडो को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, पीछे भेजने के लिए, आगे लाने के लिए, काफी सारे टास्क आपको मिल जाते हैं। तो जिस तरीके के बटन आपको नजर आ रहे हैं इस तरीके के बटन्स का आप यूज ले सकते हैं। कैसे लेना, चलिए बताता हूं मैं आपको। इसके लिए आपको एक टूल डाउनलोड करना होगा, गूगल पे चलते हैं और यहाँ पे आप टाइप करेंगे एक्स्ट्रा बटन्स, ठीक है। ये जो टास्क है आप विंडोज 10 और 11 में बहुत आसानी से कर सकते हैं। एक्स्ट्रा बटन्स का यहाँ पे एक यूटिलिटी टूल आपको मिलेगा, इस पे आप जाएंगे। इस पे जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड नाउ का बटन आएगा, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा टूल नहीं है, मात्र 1.5 से 2 MB का टूल है, ठीक है। तो मैं जस्ट इस पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट या आई एग्री इंस्टॉल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टूल इंस्टॉल हो गया है। अब डायरेक्ट रन के लिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। रन पे चेक रहने के बाद मैं फिनिश करता हूँ और ये टूल मेरे सिस्टम में यहाँ पे रन हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा बटन्स का ये जो टूल है वो यहाँ पे रन हो चुका है, और यहाँ पे जो क्विक लॉन्च टूल बार है यहाँ पे ये टूल आ गया है। आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा बटन का ये टूल यहाँ पर आ गया है। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मिल जाएंगे। ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास सेटिंग का पूरा इंटरफेस इसका ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप बटन्स को मैनेज कर सकते हैं। बटन्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आपकी जो विंडोज एक्सप्लोरर या फिर कोई भी फोल्डर वगैरह का आप इंटरफेस ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर बटन्स मिलेंगे। इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे कपल ऑफ बटन्स आपको मिल सकते हैं या फिर आप असाइन कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपके पास टूल इंस्टॉल करते ही सबसे पहले 3 बटन यहां पे आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक बार टूल को ऑपरेट करते हैं और देखते हैं। तो यहां पर हम एक्स्ट्रा बटन टूल को यहां पे ओपन करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो अवेलेबल बटन्स यहां पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, और बटन सेट यानी कि जो आपने बटन यहां पे सेट कर रखे, तो 3 अभी आपने बटन सेट कर रखे हैं, ऑलवेज ऑन टॉप, सेंड टू ट्रे, बुकमार्क, तो वो यहां पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। यहां पे सभी बटन्स ऐड ही कर देता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं, फिर हम उनका यूज़ भी देख लेंगे, ठीक है। इनफैक्ट ऐड ऑल ही कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर सारे ही बटन आ गए, ठीक है। अब मैं आपको इनका पर्टिकुलर यूज़ बताता हुआ चलूँगा। तो ऑलवेज ऑन टॉप मतलब जो पर्टिकुलर विंडो है वो ऊपर ही रहेगी हमेशा। आप कोई ऐसा कोई टास्क कर रहे हो और पर्टिकुलर विंडो पे वर्क कर रहे हो और वो विंडो आपको लगातार आपको मॉनिटर करनी हो, तो आप ऑलवेज ऑन टॉप पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे क्या रहेगा कि जो पर्टिकुलर विंडो है वो हमेशा ऊपर रहेगी। इसके बाद सेंड टू ट्रे मींस आपके पास जो सेंड टू ट्रे का ये जो बटन आ रहा है आप देख सकते हैं यहीं से मैंने ये बटन यहाँ पे लगाए हैं। सेंड टू ट्रे बटन मींस कि ये जो विंडो है पर्टिकुलर विंडो है ये ट्रे आइकन में चली जाएगी। उसके बाद बुक मार्क आप पर्टिकुलर विंडो को, चाहे वो कोई सा भी विंडो, अब आप किसी भी विंडो में जाएंगे तो आपके पास ये पर्टिकुलर बटन आएंगे, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर विंडो को आप यहां पर एज अ बुकमार्क यहाँ पे यूज कर सकते हैं। रोल अप एंड अनरोल मींस कि आप पर्टिकुलर विंडो को आप मिनिमाइज कर सकते हैं इस तरीके से। आप देख सकते हैं एक टार एक टूल बार में यहाँ पे पूरी विंडो यहाँ पे आ गई है। वापस से मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वापस से मैक्सिमाइज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद सेंड टू बैक मींस अगर आपके पास मल्टीपल विंडो है तो ये सबसे पीछे चली जाएगी। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी है, पर्टिकुलर विंडो को आप ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकें कि पीछे विंडो में क्या है। आप देख सकते हैं जो पर्टिकुलर विंडो है आपकी ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, ठीक है। वापस से मैंने इस पर क्लिक किया तो ये अनट्रांसपेरेंट हो गई वापस से, ओके। इसके बाद एडजस्ट ट्रांसपेरेंसी है, अगर आप ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट करना चाहें तो आप 5 to 100% के बीच में कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पे कॉपी विंडो है, कॉपी विंडो मींस कि आप सेम विंडो की एक और विंडो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। मूव टू मॉनिटर मींस कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ये वहां पर काम आती है। अगर सपोज आप ड्यूल मॉनिटर यूज कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलर विंडो को मेन मॉनिटर पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर ये काम आता है अगर आप ड्यूल मॉनिटर यूज कर रहे हैं, वहां पर ये काफी ज्यादा हैंडी हो जाता है। देन उसके बाद फुल स्क्रीन, ये मैक्सिमाइज से रिलेट करता है एकदम। अगर आपकी कोई विंडो स्मॉल स्क्रीन में है तो इस पे क्लिक करते ही आप फुल स्क्रीन में ओपन कर सकते हैं। देन लास्ट ऑप्शन यहाँ पे बसता है क्लिक थ्रू का। क्लिक थ्रू का बटन वहाँ पे काम आता है कि सपोज आपके पास मल्टीपल विंडोज हैं और आपको जस्ट इसके पीछे वाली विंडो ओपन करनी है,
तो आप वहां पे क्लिक थ्रू बटन का यूज लेंगे। तो ये इस टूल के कुछ बेसिक बटन हैं जो यहां पर आप यूज ले सकते हैं और यहां पर अपने टास्क को और ज्यादा हैंडी बना सकते हैं इन बटन्स का यूज करके। आई होप कि जो बटन्स हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगे अगर आप माउस का ज्यादा यूज लेते हैं। आई होप कि जो जानकारी है इस वीडियो की आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।